हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिम मैथ्स ब्लॉग। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आज तुम लोगों को बताऊंगा इस टाइप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इजी प्रोसेस क्या है। आज तुम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 5। तो इसका वैल्यू तुमको निकालना होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पोजीशन में क्या है, 1 प्लस रूट 5। तो माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस रूट 5 को तुमको क्यूब लेना है, ठीक है। तो 1 प्लस रूट 5 का क्यूब लेने से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तुमको इस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 to the power 3 प्लस रूट 5 होल टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू ए बी। ए मतलब 1, बी मतलब रूट 5, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखो a का मतलब क्या, a प्लस बी मतलब 1 प्लस रूट 5, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको कैलकुलेट करो, तो 1 को क्यूब करने से क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। और रूट 5 का होल क्यूब मतलब क्या है, रूट फाइव होल टू दी पावर 3 मतलब क्या है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, रूट फाइव मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, 5। और रूट 5 यहाँ पर तुमको लिखना होगा, मतलब 5 रूट 5। रूट 5 होल टू दावर 3 मतलब क्या है, 5 रूट 5। तो यहाँ पर तुमको लिखना होगा 5 रूट 5 प्लस, यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, 3 इंटू 1 इंटू रूट 5। तो इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट 5, ठीक है। तो 3 इंटू 1 इंटू रूट 5 मतलब 3 रूट 5। तो 3 रूट 5 के साथ रूट 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस 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 मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, प्लस होगा माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर देखो 3 रूट 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 15, ठीक है स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो 15 प्लस 1 मतलब क्या है, 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 माय डियर स्टूडेंट, प्लस 5 रूट 5 प्लस 3 रूट 5। तो सेम लाइक टर्म है, इसलिए क्या होगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और रूट 5 यहाँ पर तुमको लिखना होगा। तो यहाँ पर दो माय डियर स्टूडेंट, तुमको 8 कॉमन लेना चाहिए। तो 8 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस रूट 5 होल टू दी पावर 3 का वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस रूट 5, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वैल्यू यहाँ पर तुमको पुट करना चाहिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस रूट 5 होल टू दी पावर 3 का वैल्यू 8 इंटू 2 प्लस रूट 5, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 प्लस रूट 5। तो सिर्फ तुमको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, चाहिए 3 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखो तुमको क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ तुमको 1 प्लस रूट 5 होल टू दी पावर क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 लिखना है, 3 इंटू 1 बाई 3, ठीक है स्टूडेंट, 3 इंटू 1 बाई 3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई माय डियर स्टूडेंट, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, a टू दी पावर m इंटू n, ठीक है। तो इस फॉर्मूला तुमको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट 5, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 होल टू दी पावर 3। और ब्रैकेट के बाहर में तुमको क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा 1 बाई 3 लिखना होगा, ठीक है बाहर में। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर से तुमको न्यूमरेटर को फिर से तुमको सेम कॉपी करो, तो क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, इसका वैल्यू क्या है, 5। तो माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस रूट 5 होल टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना आया, 8 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो 1 प्लस रूट 5 होल टू दी पावर 3 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना चाहिए। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस रूट 5। और यहाँ पर क्या करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तुमको ब्रैकेट देने के बाद बाहर में लिखना है 1 बाई 3 मतलब क्यूब रूट माय डियर स्टूडेंट।
तो सेम तुमको न्यूमरेटर को कॉपी करो, तो यहां पर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2+√5 डिवाइडेड बाय, तो 8 का क्यूब रूट करने से क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा स्टूडेंट। 8 का क्यूब रूट करने से मध्य स्टूडेंट 8 मतलब क्या है, 8 का क्यूब रूट मतलब 1/3, 8 होल टू द पावर 1/3 मतलब 2 to the power 3 होल टू द पावर। तो माय डियर स्टूडेंट 8 को तुमको पावर में लिखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुमको लिखना चाहिए। उसके बाद तो इस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 3 into 1/3, तो मतलब 3 का आंसर तो सिर्फ 2 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर तुमको 8 का क्यूब रूट करने से क्या मिलेगा 2 मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, और इसका तुमको फिर से 3 क्यूब रूट ऑफ 2+√5 में तुमको लिखना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट 2 इंटू है, यहाँ पर इंटू है, तो न्यूमरेटर में क्या है क्यूब रूट ऑफ 2+√5, यहाँ पर भी क्यूब रूट ऑफ 2+√5, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट सिर्फ तुमको क्या लिखना होगा, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1, और न्यू डिनोमिनेटर पोजिशन में क्या है 2, मतलब इसका आंसर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो माय डियर स्टूडेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस ट्रिक, सो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।